Hey everybody, welcome to my channel और welcome back to my channel to my old viewers जो कि मेरा channel हमेशा देखते हैं. So yes, this video is all related to your PhD training and जो भी आपके PD training वगैरह होते हैं. So काफ़ी comments मुझे receive हुए regarding that कि क्या है, क्यों है, हमें select किया कि नहीं, हमें training के लिए क्यों बोल दिया, हमें क्यों letter मिल गए हैं कि अब training start होएगी, online training होएगी वगैरह वगैरह. So yes, पूरा चीज़ का आपको इन डिटेल में मालूम हो जाएगा कि आई विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड मैं थोड़े में ही बता दूंगी, आप समझ जाना. बाकी जब आपके साथ ये दुर्घटना घटेगी तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. ओके, सो लेट मी टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सिलेक्शन से पहले, लाइक ऑफर लेटर हाथ में आने से पहले, कभी कभी वो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू लेते हैं एंड उसके बाद आपको ऑफर लेटर देते हैं. ठीक है, तो बट ये सिनेरियो कब होता है, सबके साथ तो नहीं होता, कितनों का सिलेक्शन के बाद ही ऑफर लेटर वगैरह मिल जाती है. तो फिर ये पीएचडी और पीडी ट्रेनिंग क्या होती है ना, पीएचडी होती है प्री हायरिंग ट्रेनिंग, पीडी होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पीडीटी. ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग. सो ये दो ट्रेनिंग वो ऑफर लेटर से पहले बहुत लोगों को प्रोवाइड करते हैं, बहुत को नहीं भी करते हैं. कितनों को तो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं, तुम तो घर जाओ. कितनों को सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के बाद, मे बी इट कैन बी सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के बाद में एक पीएचडी ट्रेनिंग का लेटर देते हैं. वो उनको ये कहता है कि यस यू, तुम ठीक हो. उनको ये लगता है कि आप ठीक हो, आप में थोड़ी सी किसी चीज़ की कमी है. एंड अगर बहुत ज़्यादा कमी है आपके अंदर किसी चीज़ की, तो वो आपको पीएचडी ट्रेनिंग पे डाल देंगे, जो कि एक महीने का होता है. ठीक है, समझ में आई. मतलब आपके अंदर की क्वालिटी उनको दिखी है इंटरव्यू के टाइम में, बट दे फाउंड समथिंग इन यू विच इज़ लाइक मिसिंग. तो अगर उस पर काम करने में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, और ये चीज़ वो खुद जज करते हैं. ठीक है, अब उनको लगता है जो उस हिसाब से करेंगे. अगर उनको ये लगता है कि ये लड़की को मैं एक महीने के अंदर ये चीज़ सिखा दूंगी तो ये अच्छा क्रू बन पाएगी, तो दे विल गिव यू दे पीएचडी ट्रेनिंग लेटर जो कि एक महीने की होती है. ठीक है, एंड अगर आप थर्ड राउंड के बाद में आपका सब कुछ अच्छा रहा है, या कुछ ऐसे मतलब उनको कुछ गड़बड़ी लगी है, या आपकी ग्रूमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, या हल्की सी स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, आपकी स्पेलिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ है, या प्रोनंसिएशन आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर है, व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोवाइड यू द पीडीटी जो कि सिर्फ 9 days की होती है. समटाइम्स इट इज़ फॉर 1 week और समटाइम्स इट इज़ फॉर 2 week ऑल्सो. ठीक है, बट पीएचडी ट्रेनिंग जो है वो 1 month की होती है, ये याद रखना. पीएचडी इज़ फॉर 1 month एंड पीडीटी इज़ ओनली फॉर 1 week, 2 week और 9 days. लाइक उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना जल्दी निपटा दे. सो इट डिपेंड्स ऑन देम. सो पीडीटी बहुत ही छोटी, लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का होता है, एंड पीएचडी थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का होता है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कैबिन क्रू के लिए सिलेक्ट हो गए हो. ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए ये आप मत सोचना, क्योंकि पीडीटी जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते वाले भी वो ट्रेनिंग कराएंगे, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. ये सारा उनका खर्चा होगा, उनका हेडेक होगा कि आपको किस तरह से प्रोवाइड करानी है ये ट्रेनिंग. एंड ये बेसिकली ऑनलाइन ही होती है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाते हैं, फिर ऑनलाइन सेशन में ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ज़्यादातर यही करते हैं. ठीक है, सो ये सब ट्रेनिंग के बाद में आपको वो आगे भेजेंगे फॉर द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू. ठीक है, एक फाइनल राउंड इंटरव्यू बाकी होएगी इन सब ट्रेनिंग के बाद, भले वो 1 महीने की ट्रेनिंग हो या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हो, एक फाइनल राउंड इंटरव्यू आपकी होगी. अगर मान लो 20 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे पीएचडी एंड पीडीटी सब के लिए, उसके बाद 20 का एक इंटरव्यू होने वाला है. उन 20 में से अगर 20 के 20 ने मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस किया, देन 20 ऑफ यू विल गेट सिलेक्ट फॉर द क्रू. यू लाइक ऑल ऑफ देम विल गेट द ऑफर लेटर. बट येस, अगर 20 में से 19 अच्छा है, एक ने सही नहीं करा है, तो दे विल रिजेक्ट यू, लाइक दे विल नॉट गिव यू द चांस एंड ऑल. मे बी इट कैन बी पॉसिबल, 1% रेयर चांस है कि दे विल गिव यू द सेकेंड चांस, बट आई डोंट थिंक सो कि चांस देते हैं, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ उसने पास नहीं करे लास्ट राउंड, तो उसको नहीं चांस मिले. बट समटाइम्स इट इज़ ऑन योर लक कि हो जाते हैं कभी कभी, है ना. सो येस, तो आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे, उसके बाद यू विल गेट सेलेक्ट फॉर द क्रू, लाइक यू विल गेट द ऑफर लेटर. ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका मेडिकल होना है. मेडिकल के बाद इफ़ यू विल गेट सेलेक्ट इन मेडिकल टेस्ट, देन यू विल बी गोइंग फॉर द ट्रेनिंग विच इज़ फॉर 3 months. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना कि अगर आपका ये सब कुछ सही रहा, सिलेक्ट हो गया, तब आपको प्रॉपर कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, जहाँ पे आपको 50,000 rupees पे करने पड़ेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिगो. ठीक है, ये इंडिगो के लिए मैं बता रही हूँ कि 50,000 पे करने पड़ेंगे. हर एयरलाइन की अपनी अपनी फीस होती है, अपनी अपनी चीज़ें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना.
सो उसके बाद आपको उनका पेमेंट करना है, फीस जो भी लेंगे, उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद एग्जाम, एंड एग्जाम के बाद यू आर फिट टू फ्लाई. ठीक है, सो आई होप आई क्लियर योर डाउट्स. लेट मी चेक, मैंने कुछ नहीं बताया है तो ओके डन, मैंने सारी चीज़ें बता दी है. सो ये छोटे छोटे डाउट्स थे, आई होप इट विल क्लियर यू. एंड इफ़ यू नो समथिंग मोर, इफ़ यू वॉन्ट टू एड समथिंग मोर जो कि मैंने शायद मिस कर दिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. नो वन इज़ परफेक्ट, सो येस आप मुझे बता सकते हो. एंड डू नॉट गेट पैनिक, डोंट पैनिक. ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए PhD के भी आपको लेटर मिली है. इट्स वेरी लाइक इट इज़ 99.9% यू गॉट सिलेक्टेड ओनली. बस आपको थोड़े से काम करने हैं, आपके अंदर कुछ तो दिखा होगा कि आपको सिलेक्ट करा है उन्होंने. सो बी हैप्पी फॉर दैट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एंड प्रूव देम दैट येस यू आर फिट टू फ्लाई, यू आर फिट फॉर द क्रू एंड यू आर फिट फॉर देयर एविएशन. ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, दैट्स इट. सो डोंट वरी, अच्छे से उनका वो 1 month का PhD हो या 1 महीने का हो या 1 हफ्ते का हो, उसको क्लियर करो एंड बी अ क्रू. So bye guys, and don't forget to like the video.